चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का दूसरा टॉपिक, क्योंकि जो मैं कल ही बताया था उसके बाद का टॉपिक ये भी एनसीईआरटी का ही है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। ये 4 मार्क्स में जो बता रहा हूँ सारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। तो इस वाले पोर्शन को जब भी यहाँ पर 1 + x² हो तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला है। तो अब इसको क्या मान लें, हम टी मान लेते हैं, थीटा मान लो, थीटा मान के दिखाते हैं आपको। तो थीटा बराबर क्या मान लिया, टेन इनवर्स x मान लिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, x से सापेक्ष करते हैं तो d थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x, d थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 + x². ये फॉर्मूला होता है किसका, टेन रूल फॉर्मूला होता है। तो अब हम x के साथ इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, क्या होगा डी एक्स बराबर 1 + x² dx या d थीटा हो जाएगा। अब d थीटा की वैल्यू हम यहां पुट कर दें x में। अब आगे देखिए, तो x² tan इनवर्स x थोड़ा जूम कर दो अपॉन 1 + x² यहां पर क्या आएगा, पर इस पुट करने जाने पर इसके स्थान पर रखेंगे हम ये, तो 1 + x² तो डी थीटा, तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर देखिए x² tan इनवर्स x और डी थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर x के स्थान कर सकते हैं, x के स्थान पर यहाँ पर देखिए, अब ये समझने वाला है क्वेश्चन, देखो ना अभी समझिए थोड़ा क्या होगा। अब यहाँ x इस फॉर्म में आ गया ना, तो हम क्या करें इसको इधर भेज दो, तो क्या हुआ x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो क्या हुआ यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सम क्या हो जाएगा हमारा थीटा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा उसके पूरे सम क्या जाएगा हमारा थीटा ही आ जाएगा, क्या हुआ यहाँ पर थीटा और यहाँ पर d थीटा, तो वही है ये मेन पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर इसको आगे भेजते, पर इसका करेंगे इसका कर देंगे हम, तो क्या करेंगे हम थीटा tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस d अपॉन d थीटा, इसको इधर लिखेंगे अब थीटा करेंगे हम और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब tan स्क्वायर फॉर्मूला एक होता है, अगर हम बताएं आपको कि देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर tan की वैल्यू निकाले हम तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा जाएगा माइनस माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा tan स्क्वायर के साथ हम ये रख सकते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होने वाला है tan थीटा माइनस 1। आप कैमरे पर आ ना, ठीक माइनस क्या हो गया यहाँ पर, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पर थीटा इंटू sec स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, तो 10 थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या x आएगा माइनस, यहाँ देखिए ऐसे कर दीजिए, इसका क्या होगा हमारा 10 थीटा माइनस x हो जाएगा, ठीक है थोड़ी देर तक आ गया होगा। तो बस आगे देखिए थीटा 10 थीटा हो जाएगा यहाँ पर और माइनस x, अब क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन था दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर एक्स रहे थीटा फॉर्म में रहेगा तो थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी क्या होगा tan थीटा माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो जगह थीटा इससे करेंगे हम तो tan थीटा उतना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे हम तो थीटा स्क्वायर माइनस, अभी देखिए यहाँ पर। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है क्या log से, अब इसका तो यहाँ पर जैसे यहाँ तो हो गया आपका, अब यहाँ पर sec स्क्वायर का tan थीटा हुआ था, अब 1 का यहाँ पर x नहीं क्या होगा थीटा होगा, ठीक है।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई किया तुम्हारा ये आ गया, इसके मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आ गया, माइनस यहां उतार दिया। अब इसका करने जा रहे तो 10 का क्या होता है यहां पर log sec x होता है, log sec अब थीटा फॉर्म में थीटा लिखेंगे यहां पर, और माइनस और उसका करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर थीटा स्क्वायर अपॉन 2। अगर देखिए यहां पर थीटा tan थीटा माइनस थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए अंदर क्या होगा माइनस log sec थीटा और माइनस और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। अब मेन पॉइंट यही बच्चों को समझना होगा ये दो पोर्शन फिर सॉल्व करें तो आपको करके दिखा रहा आपको माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 2 से नीचे बनी तो है इसके पास जाएगा इसके पास तो क्या होगा 2 * 1 माइनस 2 थीटा और प्लस 1 थीटा तो कितना आएगा बेटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 ये इसका आंसर आएगा। तो ना अगर दोनों सॉल्व कर लिए हम ये लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर तो होगा क्या थीटा tan थीटा माइनस log sec थीटा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर थीटा अपॉन 2। एक तुम्हारा आंसर यही पर पुट हो गया तो लास्ट इनका करें अगर हम थीटा वैल्यू यहाँ पर पुट करते चले जाए तो भी आंसर आएगा वरना यहाँ पर फॉर्मूला और लगा सकते हैं फिलहाल जरूरत नहीं इसकी हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं यहाँ पर क्या करें थीटा बराबर क्या करें tan tan इनवर्स x ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे हम tan इनवर्स x इंटू tan और क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस log यहाँ क्या रखेंगे हम sec tan इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पर क्या रखेंगे हम थीटा स्थान पर माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये tan कट जाएगा हमारा कुछ आंसर नहीं होगा यहाँ क्या बचेगा x tan इनवर्स x माइनस log sec tan इनवर्स x माइनस के स्थान पर क्या जाएगा हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं मगर ये बात छोड़ देंगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा ठीक है थैंक यू पहले ही मन कर दिया था ना।